अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आप सबको सेहतयाब रखे, आपकी जायज़ दुआओं को कबूल करे, और आप सब भी हम सबको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए एक और मज़ेदार सी स्टार रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए लें 250 ग्राम बोनलेस मटन, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स, 1 स्लाइस्ड अनियन, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 ग्रीन चिली और 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब इस मटन क्यूब्स में ऐड कर दिएगा अनियन, ग्रीन चिली, गरम मसाला, रेड चिली, नमक और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स। उसके बाद ये ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में करके इस पर भी ऐड कर दिएगा। उसके बाद इन सबको ग्राइंड कर लिएगा। ये देखिए मटन को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इस तरीके से हो गया है। उसके बाद इसका आप कोई भी शेप बना लीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो शेप की कबाब को बना लिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक अंडा, उसको नॉर्मल बीट कर लिया है, ब्रेड क्रम्स और सेवई। मैं दो तरीके से आपको कोट करना बताऊंगी। पहला ऑप्शन है आप इसको मर्च पहले अंडे में जो है वो डिप करिएगा, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में जो है वो कोट कर लिएगा इस तरीके से अच्छे से, देखिए इस तरीके से। और दूसरा ऑप्शन मैं बताती हूँ आपको, पहले आप अंडे में इसको अंडे के मिक्सचर में डिप करिएगा और दूसरा कोटिंग आप इसको सेवई में करिएगा। इससे भी बहुत क्रिस्पी सा और बहुत टेस्टी सा लगता है। आप दोनों ऑप्शन ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी होंगे। ये देखिए मैंने सारे मटन कबाब्स को या मटन स्टार्टर्स बोल सकते हैं इसको, और आप इसको फ्रीज कर सकते भी आराम से एक महीने के लिए रख सकते हैं। और इसको देखिए बनाना कितना इजी था, कितनी जल्दी से ये रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। अब एक पैन लीजिएगा, उस पर ऑयल ऐड करिएगा और ऑयल को मीडियम टेम्परेचर पर पहले गरम कर लिएगा। गरम तेल में इसको ऐड कर दिएगा और इसको फ्राई कर लीजिएगा मीडियम टेम्परेचर पर, जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसको इतनी देर तक फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये दिख रहा है, कितना अच्छा सा ये कलर भी आ गया है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी, कितनी चटपट सी ये रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तो आप लोग भी इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसे बनी है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे कोई नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।